Good morning, students. Hope you all are fine. So, last week we have started our chapter number 7, that is the trails of fibers. So, first of all, we will do a quick revision. Firstly, we have done fiber and fabric. कि फाइबर जो है हमें हमारा प्लांट्स या फिर हम उनको सिंथेसाइज भी कर सकते हैं वहां से मिलता है, दिस इज फाइबर. एंड जो फाइनल हमें क्लॉथ मिल जाता है वो होता है हमारा फैब्रिक. जो हमारे फाइबर्स के जो सोर्सेज होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक, जो हमें नेचुरल चीजों से मिलता है या फिर सिंथेटिक जो हम केमिकल से बनाते हैं. नेक्स्ट इज नेचुरल फाइबर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डन कॉटन. कॉटन बॉल्स से हमें कॉटन मिलता है, देन गिनिंग करके हम उसकी क्या करते हैं, सीड्स को रिमूव करते हैं एंड स्पिनिंग करके उसको किस में चेंज कर लेते हैं, यार्न. यार्न मीन्स धागे में कन्वर्ट कर लेते हैं. और इसके लिए हमें थ्री चीजों का हम जो है थिंग्स का यूज करके उसको यार्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, तकली, चरखा एंड स्पिनिंग मशीन. नाउ वीविंग एंड निटिंग. वीविंग मीन्स जो है हम क्या करते हैं, इस टाइप का पैटर्न जो है बनाकर क्या करते हैं, टू यार्न्स, सेट ऑफ यार्न्स जो है हम यूज करते हैं और इस टाइप का पैटर्न यूज करके हम बनाते हैं अपना फैब्रिक. एंड निटिंग मीन्स जो हमारी मदर्स जो है पहले बनाती थी, वन सेट ऑफ यार्न यूज कर जो है हम बनाते हैं. आजकल इन सबको हम मशीन्स की हेल्प से भी कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट नेचुरल फाइबर इज जूट. जूट बैग्स वगैरह हमने सबने देखे हैं, ब्राउन ब्राउन कलर्स के बैग्स होते हैं, ठीक है. और इसका नेम क्या है, जूट. नेचुरल है और जूट प्लांट से हमें ये मिलता है. नाउ इंडिया के इन एरियाज में हमें जूट जो है हमें मिलता है. इसको कितना टेम्परेचर की नीड है, 34 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिड क्लाइमेट की नीड है इसको. मीन्स जो वाटर वेपर्स वाला जो क्लाइमेट होता है वो वाले की इसको नीड होती है. नाउ मेकिंग, इसकी यूज क्या है, रस्सी बनाने के लिए यूज करते हैं, मेकिंग रोप्स, गनी बैग्स, बैग्स वगैरह जो हम यूज करते हैं जैसे लंच बॉक्स वगैरह लेके जाते हैं जिसमें, या वाटर बॉटल्स भी रखने के लिए आजकल बैग्स जो आते हैं वो किससे बने होते हैं, जूट से ही बने होते हैं. या कारपेट्स वगैरह भी जूट से बनाए जा सकते हैं. करेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं इसकी, करेक्टरिस्टिक्स मीन्स दिखता कैसा है, कैसा है, रफ, खुरदुरा होता है, शाइनी, चमकदार होता है, स्टर्डी और ड्यूरेबल, काफी दिन तक ये चल सकता है. सो जूट, जूट फील्ड में ऐसा जो है उसके प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है. ये स्टेम वाला जूट प्लांट होता है, डंडियां, स्टेम पता है ना, ऐसा प्लांट होता है. और इसको ग्रो करने के लिए, इसकी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए कितना टाइम लगता है, 3 to 4 months जो है इसको लग जाते हैं ग्रोन अप होने के लिए. नाउ उसके बाद हार्वेस्टिंग, इसको कट कर लेते हैं और इसकी बंडल्स बना लेते हैं, लाइक वीट के जो बंडल्स आजकल हमारी वीट की जो है हार्वेस्टिंग हुई है तो उसके जैसे बंडल्स बनते हैं, सेम इसके भी हम क्या करते हैं, बंडल्स बना लेते हैं. और इसको ड्राई होने के लिए वहीं पर सन के वहीं पर रेस से वहीं पर लेफ्ट कर देते हैं ताकि सन की रेस से ये क्या हो जाए, ड्राई हो जाए. द लीव्स गेट ड्राइड एंड आर देन रिमूव्ड इजली. और इसके बाद क्या होता है, जो लीव्स हैं उसकी सूख जाएंगी तो उसके बाद उसको उस प्लांट में से निकालना इजी है. दैट्स वाई उसको हम सन से हीट करके उसको ड्राई कर देते हैं और उसकी जो लीव्स हैं उनको उसमें से अलग कर देते हैं. नाउ रिटिंग, आफ्टर रिमूविंग द लीव्स, कि जब हमने लीव्स को रिमूव कर लिया, द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट्स आर सॉक्ड इन वाटर फॉर अबाउट ए वीक. अब खाली डंडियां बच गई हमारे पास, क्या बच गई, उसकी स्टेम. अब उस स्टेम को हम क्या करेंगे, 1 week तक क्या करेंगे, वाटर में सॉक करेंगे, डुबो कर रखेंगे. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिटिंग. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिटिंग. This loosens the fiber and then they can be separated manually. अब उसको पानी में डिप करके रखेंगे तो उस स्टेम्स में क्या होगा, वो लूज हो जाएंगे, उसके फाइबर्स ढीले होने लग जाएंगे और उनको हम अलग कर सकते हैं, उन फाइबर्स को अलग अलग हम कर सकते हैं उस स्टेम से. नाउ वॉशिंग एंड ड्राइंग. उसके बाद क्या होता है, जो फाइबर अलग हुए उसको हम रनिंग वाटर यानी कि नदी में बहते पानी या बहते पानी में उसको क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं और उनको क्या करते हैं, बैम्बू रेलिंग,
ठीक है, जो बैम्बू की बड़ी बड़ी लकड़ियां होती हैं उन पर ऐसे डाल देते हैं ताकि वो ड्राई हो जाएं, 2-3 डेज तक हम उनको ड्राई करते हैं। नाउ स्पिनिंग और वीविंग करते हैं, ठीक है, दीज फाइबर्स आर देन स्पन मैनुअली, मैनुअली या मशीन की हेल्प से इसको स्पिनिंग किया जाता है, और स्पिनिंग करके क्या बनता है हमारा, यार्न, और यार्न बनने के बाद उसको विविन कर लेते हैं हम इसको, ठीक है, डिफिकल्ट पैटर्न्स में कन्वर्ट करते हैं, और जिससे हमारा फैब्रिक बन जाता है, या तो उससे हम जूट रॉप बना सकते हैं, या जूट के बैग्स, या फिर आजकल और भी बहुत सारी चीजें जूट की बनती हैं, उनको हम बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नेचुरल फाइबर इज फ्लैक्स। फ्लैक्स इसका ये भी नेचुरल है, फ्लैक्स प्लांट से मिलता है, इंडिया के इतने सारे एरिया में हमें ये मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। कोल्ड, इसको ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए, और ह्यूमिड, चिप चिप जो पानी वाला एनवायरनमेंट होता है वो चाहिए। इससे हम क्लोथ्स बना सकते हैं, ठीक है, बेड बाथ फैब्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है, टॉल वगैरह ये सब बना सकते हैं, पेपर, फिशिंग नेट वगैरह जो है हम इससे बना सकते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, ये बहुत स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल, काफी टाइम तक चल सकता है, और स्वेट एब्जॉर्बिंग मीन्स पसीना भी जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। अब स्टूडेंट्स फ्लैक्स का जो प्लांट है वो ऐसा होता है, ठीक है, और ये सबसे ओल्डेस्ट फाइबर है, बहुत पुराना फाइबर है वर्ल्ड में, ठीक है, और इसको हम कहां से, स्टेम से, जैसे जूट को स्टेम से लेते हैं, इसको भी हम कहां से लेते हैं, स्टेम से लेते हैं, और सिमिलर जैसे जूट की प्रोसेसिंग होती है कि पहले हमने क्या किया, सन में रखा और फिर फाइबर जो है पानी में डुबो के उसको अलग कर लिया, सेम प्रोसेस होती है, और इसको सेम जैसे जूट को हम निकालते हैं, सेम इसके साथ भी प्रोसेस करते हैं, और बाद में वीविंग या नीटिंग करके हम अपना फैब्रिक ले लेते हैं। लाइनिन फैब्रिक जो हम सूट्स वगैरह के नीचे स्टूडेंट जो लाइनिन लगाते हैं ना, लाइनिंग मम्मा कहती है कि लाइनिंग वाला सूट है, ये वाला है, तो जो हमारा पतला सा कपड़ा होता है वो होता है यही, फ्लैक्स ही होता है वो, लाइनिंग भी होती है, और ये हम क्या करते हैं गर्मियों में पहन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्वेट जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसको हम पेपर इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, और ये क्या होता है बहुत हल्का होता है और बहुत सारा स्वेट जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसकी प्रोसेस पहले यार्न बनाने की और फिर फैब्रिक बनाने की सेम हमारी जो जूट की प्रोसेस थी सेम है, वही प्रोसेस इसमें भी होती है।